कोई शर्म है तुमको, कोई हया है? क्या समझता तुम? छोटी छोटी बातों पे तुम औरतों से उलझता है। मैं औरत के साथ उलझ नहीं रहा था दाजी, उसको समझा रहा था ये घर है, कब्रिस्तान नहीं है, और वैसे भी वो नामेरम का हड्डी है। बदबخت इंसान नामेरम का हड्डी है, लेकिन नामेरम तो नहीं है। तुम्हारे खोपड़ी में कोई भेजा है कि नहीं है? खाना खराब सब मुझ को ही समझाते रहते हर वक्त इस घर में। नामेरम का हड्डी, जाओ देखो किधर गया है, जाओ, तुम्हारे ऊपर गया इसका भेजा भी। नामेरम बस करो बच्चे, और कितना रो 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 कर जुकाम कर लिया। अभी तो क्या रो रही हो जो मैं कल रोऊंगी, जब वो मुझसे बोन मांगेगा और मेरे पास नहीं होगी। ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, फाइन करेंगे, मैं पैसे दे दूंगा, दे देना होगा। लल्ला बात पैसों की नहीं है, वो फोन मेरे नाम पर है शुक्ति, वो आइंदा मुझे कोई चीज नहीं देंगे, मैं आगे कैसे पढ़ूंगी? कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे वो जुड़ जाए, एल्फी ग्लू वगैरह? लाला वो कोई फर्नीचर या कोई लकड़ी थोड़ी है जो एल्फी ग्लू से जुड़ेगी। वो फोन है, उस पर सेल्स होते जो पढ़ने होते। कैसे समझाओ आप लोगों को, मेरे समझ नहीं आता। तुम जानती तो हो उस अहमक को, क्या जरूरत थी ये चीज घर लाने की? मुझे क्या पता था कि मेरी अपनी चीज मेरे अपने घर में महफूज नहीं होगी। ये दरकज़ई नाम का अज़ाब मुझसे दूर नहीं हो सकता। वो तो दूर हो जाएगा, लेकिन तुम बताओ, तुम किसके करीब होने के ख्वाब देख रही हो? बचपन का मंगेतर है वो इसका, ये बात पूरी बिरादरी को पता है। कावा काने में दादी बुला रहे हैं तुम्हें। और आकान, तरकज़ई को मजीद कुछ मत कहना, दादी ने पहले ही उसकी बहुत बेइज्जती कर दी है। कजिस्ता बीबी, एक अड्डी के पीछे तुम अपने मंगेतर को मत कोसो, वो तुम्हारी जिंदगी से निकल भी गया ना तो मैं किसी और को नहीं आने दूंगी। मैं उसको क्या कोसती हूँ, मैं तो खुद को कोसती हूँ। अल्लाह से दुआ करती हूँ कि मैं किसी की जिंदगी में तो क्या किसी की नजर में भी ना, किसी के लिए परेशानी ना बनूं।